Hello dear students, welcome to 4th standard maths learning. Today we shall learn lesson number 1, building with लुकिंग थ्रोट अ ब्रिक्स चाली। यहाँ पर हम जागृति के जो स्कूल बनाने की जो बात कर रहे थे वो वॉल की ब्रिक्स से बनाई हुई थी, वही पर हम अभी बात कर रहे हैं कि यह जो आपको दिखाई है वो जागृति की स्कूल की फोटोज है, जहाँ पर ऐसे जाली जाली अलग अलग पैटर्न से ब्रिक्स का यूज़ करके उसने वॉल बनाई है, सभी अलग अलग डिज़ाइन से। उसके बारे में यहाँ पर पिक्चर दोनों दी है। हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दिस टू फोटोज़। यहाँ पर आपको ऐसे दो फोटोज़ दिए, वो दोनों फोटोज़ में कितनी आपको डिफरेंट टाइप्स की जाली पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रही है, वैसे आपको पूछा है। तो यहाँ पर ऐसे कितनी सारी है वो उसके बारे में यहाँ पर सामने हमें बताया है कि ऐसे कौन कौन से पैटर्न यहाँ पर है। दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटिफुल जाली। यहाँ पर आपको जो पैटर्न दिखाई है वो दूसरी टाइप की अदर सी जाली पैटर्न ब्रिक्स की है। न्यू कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रोन बिलो। यहाँ पर आपको नीचे एक वॉल ड्रॉ करके दी है। यहाँ पर जैसे आपको डिज़ाइन दिखाई दे रही है ब्रिक्स की बनी हुई, वैसे यहाँ पर आप पेंसिल कलर से ऐसे करके यहाँ पर अलग करके आप यहाँ पर डिज़ाइन ब्रिक्स की बना सकते हो। जैसे कि ऐसे यहाँ पर कलर किया हमने, यहाँ पर कलर किया है, यहाँ पर कलर ऐसे अलग अलग डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर ब्रिक्स की कर सकते हो। वैसे नीचे कैन यू सी द विंडो जरोखा इन दिस फोटोज़ ऑफ द स्कूल, कि स्कूल में जो है जरोखा बनाया था विंडोज़ का, यहाँ पर इस साइड ये जरोखा बनाया था, वो डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिखाइए कि वो शेप ऐसे अलग करके दिखाए यहाँ पर, कि ऐसे जरोखा जो बनाया है वो भी ईंटों से ऐसे एकदम अलग शेप का बनाया है। नाउ ड्रॉ सम जरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हेयर, यू कैन सेड इट ब्लैक। यहाँ पर ब्लैक सेड करके आपको जो जरोखा बने है उसकी पैटर्न यहाँ पर भी आप अलग तरीके से बना सकते हो ब्लैक सेडो करके। दिस इज जाली इज़ फ्रॉम लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। केरला में जो ऐसे एक स्कूल है उसकी जो लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग, वो ऐसे इस तरह से उसका शेप है जो ब्रिक्स से बनी हुई है। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स यूज टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल। वो लोगों ने जो बिल्डिंग्स बनाई है ब्रिक्स उसमें यूज़ की है, वो एक ट्राइंगल शेप में वो लोगों ने बिल्डिंग बनाई, ऐसे यहाँ पर ट्राइंगल जैसा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर ऐसे ही ये बिल्डिंग्स बनाई हुई पूरी है। तो हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्राइंगल, तो वो बिल्डिंग का जो एक शेप दिखाई दे रहा है वो भी लुक कैसा दिखाई देता है, ट्राइंगल जैसा दिखाई देता है। लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटोज। यहाँ पर ट्री आपको जो है उसके आजू बाजू में भी ऐसे ब्रिक्स की लगाई हुई है जो उसका शेप भी कैसा है, ट्राइंगल जैसा है। जैसे गार्डन वो सब में ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे जो उसके ब्रिक्स को रखते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाया कि ऐसे ट्राइंगल शेप में रखते हैं। डू यू सी द आर्च इन दिस फोटोज। यहाँ पर आपको आर्च यानी कि यहाँ पर ऐसा आपको जो शेप दिखाया है इसे बोलते हैं आर्च। दिस इज़ फ्रॉम अ स्कूल इन फैज़ाबाद। ये फैज़ाबाद के जो एक स्कूल का फोटोज है, वहाँ पर ऐसे जो वॉल पर डिज़ाइन बनाई है वो एक आर्च जैसी डिज़ाइन बनाई है। फाइंड आउट लुक फॉर अदर आर्चिस अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। आपको अगर दूसरी जगह पर ऐसे आर्च जैसे शेप दिखाई दे तो वो कहाँ पर दिखाई देते हैं वो आप देखो और यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। हैव यू सीन आर्चिस अ ब्रिज। आप लोगों को अगर बड़ी बड़ी सिटीज़ वो सब होते हैं वहाँ पर जो ऐसे ब्रिज बनाते हैं, तो ब्रिज के नीचे से अंडरग्राउंड जो रास्ता निकालते हैं वो ऐसे आर्चेस जैसे ऐसे सर्कल जैसा आर्चेस जैसा बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें आर्चेस दिखाई देता है। अगर कोई गार्डन होता है तो गार्डन में भी कोई ब्रिज होता है तो वहाँ पे भी ऐसे दिखाई देता है। तो वेर रिवर जो होती है, रिवर पॉन्ड वो सब होता है, तो उसके ऊपर जो ब्रिज बनाते हैं उसके ऊपर भी ऐसे आर्चेस जैसे शेप की ऐसे बनाते थे। वेर एल्स हैव यू सीन आर्च ऑन आर्च। तो आपने अगर दूसरी जगह पर कहीं पर देखा है तो यस, मैंने अभी आपको बताया कि गार्डन पे ऐसे ब्रिज के ऊपर आपको दिखाई देता है एक्सेट्रा। अ स्पेशल आर्च इन दिस फोटो फ्रॉम आर्चा, सी हाउ द आर्च इज मेड। इट हैज अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहरब, द आर्च विज ऑफ वैली। ये वाली आपको जो फोटो दिखाई यहाँ पर एरो करके, वो भी एक आर्च है, उसका शेप और इसका शेप अलग है, बट ये जो आर्च है उसका नेम क्या है, घूंघट वाली मेहराब। उसका भी ऐसे हाउस पर ऐसे बनाया है। और इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल। वहाँ पर ऐसे जाली जो बनाई है वो एकदम डिज़ाइन एकदम ब्यूटीफुल है। इट इज़ अ मेड ऑफ थीन ब्रिंक्स। वह वहाँ पर एक थीन ब्रिंक्स का यूज़ करके
थिन ब्रिक्स का यूज करके वहाँ पर ये जाली बनाई है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, लुक अराउंड, ऐसे आपने थिन ब्रिक्स आपके आसपास भी देखी होगी, उससे ही उसने ये जाली बनाई है और ऐसे हाउस को बनाए अलग अलग शेप देकर ऐसे ब्रिक्स का यूज करके। जमाल एंड कालू द मेसोन ऑफ जागृति स्कूल, जमाल एंड कालू है वो दोनों मेसोन थे जागृति के स्कूल के। सेट देयर ग्रैंडफादर यूज्ड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक्स, सम ऑफ दिस आर शो इन दिस फोटो। आपको यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई है अलग अलग ब्रिक्स के शेप की है और वो कौन यूज करते थे, जो जमाल एंड कालू के ग्रैंड फादर थे वो ऐसे अलग अलग ब्रिक्स का यूज करके अलग अलग शेप में ऐसे जो स्कूल बनाते थे वो उसके फोटोज दिए ब्रिक्स की। Which of these bricks have a covered edge? यहाँ पर आपको दिखाई है कि covered, यानी कि covered किसे बोलते हैं कि जिसकी अगर लाइन आपको दिखाई दे ऐसे स्ट्रेट ना हो, ऐसे आड़ी टेढ़ी कोई भी शेप में दिया हो उसे covered edge बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेट नहीं बोल सकते हम उसको। तो ऐसी ब्रिक्स कौन सी है, तो ये वाली ब्रिक्स है वो covered edge बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे टर्न होके नीचे बैक होती है इसलिए covered edge है ये ब्रिक्स वाली। ये ब्रिक्स भी covered edge है क्योंकि यहाँ से ऐसे नीचे की साइड आती है, तो ये भी आपकी जो ब्रिक्स है वो भी कवर्ड एज है। ये वाली है वो भी कवर्ड एज है क्योंकि इसको भी शेप में ऐसे आपको दिखाया है इसलिए ये भी कवर्ड एज में है। बाकी की ये सभी है वो ऐसे कवर्ड एज में नहीं है क्योंकि वो सब स्ट्रेट आपको दिखाई देती है इसलिए। हाउ मेनी फेसेस डू यू सी द लॉन्गेस्ट ब्रिक, लॉन्गेस्ट ब्रिक में आपको कितने फेस दिखाई देते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक आपको इस फोटो में एक ही दिखाई देती है, तो उसमें हमें एक ही फेस दिखाई देता है यहाँ पर, फर्स्ट वन ऊपर की साइड वाला वही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक ही फेस दिखाई देता है सामने का। इज देयर एनी ब्रिक्स विच हैज़ मोर देन सिक्स फेसेस, कोई भी ऐसी ब्रिक्स होती है कि जिसमें सिक्स फेसेस से भी ज़्यादा होते हैं? नो, कोई भी ऐसी ब्रिक्स नहीं होती कि जिसमें सिक्स फेसेस पे भी ज़्यादा फेस दिखाई दे। फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक, आपको ब्रिक्स की साइज फाइंड आउट करनी है। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज, टेक वन ब्रिक्स ऑफ मेजर इट, आपको एक ब्रिक्स लेने हैं और उस ब्रिक के क्या करनी है, मेजर करनी है उसकी साइज, ये उसकी लेंथ कितनी है, लॉन्ग यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, वाइड यानी कि उसकी ब्रेथ कितनी है, एंड हाई यानी कि उसकी हाइट कितनी है। तो ऐसे आपको अगर आपको कोई एक ब्रिक्स दे तो उस ब्रिक्स में आप लोगों को लॉन्ग यानी कि उसकी लेंथ देखनी है। तो ऐसे आपको अगर आपको ऐसे कोई एक ब्रिक्स दे उस ब्रिक्स में आपको लेंथ कैसे आप काउंट कर सकते हो, ब्रेथ कैसे कर सकते हो, हाइट, तो लेंथ किसे बोलते हैं कि ये जो होता है वो पूरा सीधा उस फेसिस सामने वाला उस लेंथ होती है, ये पार्ट होता है वो ब्रेथ होती है, और उसकी हाइट होती है ये वाली जो होता है पार्ट, वो ये लाइन होती है उसकी हाइट होती है। तो ऐसे आपको दिखाया है और उसका मेजरमेंट करते जाना और आप यहाँ पे लिखते जाना। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग, मुनिया ने एक वॉल बनाई है जो 1 मीटर लॉन्ग थी। एंड हाउ मेनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट इन अ लाइन, तो उसको 1 मीटर लॉन्ग की जितनी वॉल बनाने के लिए उसको ब्रिक्स की कितनी लाइन करनी पड़ी होगी, कितनी ब्रिक्स उसको चाहिए होगी वो यहाँ पर हम लिखेंगे। नेक्स्ट है ब्रिक्स एंड ब्रिक्स वॉट एंड फ्रेश, गणेश एंड साइबा लिव नियर अ क्लीन वेयर ब्रिक्स आर मेड, क्लीन यानी कि मतलब क्या होता है, भट्टा, जो ऐसे भट्टा बोलते हैं, भट्टा जहाँ पर ईट वो सब बनती है उसे भट्टा बोलते हैं, क्लीन। तो गणेश और साइबा है वो उसके बाजू में ही रहते थे जो भट्टा ब्रिक्स का था उसके बाजू में। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर इज इट, क्या आपको क्या गेस करके आप बोल सकते हो कि चिमनी की जो हाइट होगी वो कितनी हो सकती है, चिमनी यानी कि आपको ऐसे भट्टी जैसा जो दिखाई देता है उसकी हाइट कितनी हो सकती है, अबाउट शायद उसको 35 से 50 मीटर जितनी ऊंचाई उसकी हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, अबाउट 50 मीटर्स यानी कि 50 मीटर्स के आसपास उसकी हाइट हो सकती है। गणेश एंड साइबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई, दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, गणेश और साइबा है वो दोनों ऐसे ही पैटर्न्स ऐसे ब्रिक्स की जो बनती है अलग अलग लाइन्स की वो ज़्यादा ज़्यादा दूर तक जाते हैं उसको कैसे सुखाते हैं वो सब देखने के लिए वो लोग वहाँ पर जाते हैं कि कैसे ब्रिक्स बनती है वो सब। हियर एंड फोर पिक्चर फ्रॉम द ब्रिक्स क्लीन, यहाँ पर आपको क्लीन यानी कि भट्टी के आसपास जो ब्रिक्स बनती है उसके 4 पिक्चर्स नीचे दिखाए हैं। दिस पिक्चर आर जम्बल्ड अप, लुक एट देम केयरफुली, यहाँ पर आपको जो पिक्चर है वो आपको देखना है एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर, उसको करेक्ट ऑर्डर देना है यानी कि ये सभी पहले वो ब्रिक्स बनाने के लिए क्या करते होंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऐसे 4 स्टेप में उसको हमें ऑर्डर देना है और सही तरीके से यहाँ पर हमें लिखना है। तो पहले तो हम क्या करते होंगे यहाँ पर ब्रिक्स बनाने के लिए, वो लोग क्या करेंगे, ये पिक्चर देखो लास्ट वन है वो जहाँ पर मिट्टी दिखाई देती है, वो लोग क्या करते हैं मिट्टी को इकट्ठा करते हैं,
तो फर्स्ट वन ऑर्डर में क्या आएगा, सी आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी, फर्स्ट वन ऑर्डर में हम लिखेंगे सी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाया है कि सेकंड वन ऑर्डर क्या आएगा, हमने फर्स्ट वन मिट्टी ली, सेकंड वन हम क्या करेंगे, ऐसे मिट्टी को गोल गोल राउंड में बनाकर उसको ऐसे बॉक्स जैसे लेके उसको शेप देंगे, तो सेकंड वन आएगा डी। और थर्ड वन क्या आएगा, ऐसे शेप बन गया, उसके बाद उसको सुखाने के लिए बॉक्स में से निकालते हैं, तो यहाँ पर उसको शेप बन गया तो उसको बॉक्स में से निकालते हैं, बी आएगा। और लास्ट में वो जब बन जाती है तब उसको इकट्ठा करके रख देते हैं, तो ये ऐसे ग्रुप में बन जाती है पूरी ब्रिक्स, तो ये ए वन हो गया। तो ऐसे ऑर्डर ये पिक्चर हो गया है कि कैसे फर्स्ट वन में उसे मिट्टी को ली, सेकंड वन पिक्चर में उसने मिट्टी से बनाई बॉक्स में डालकर ब्रिक्स को, और बाद में ब्रिक्स को सुखाया और उसके बाद में इसे जमा करके इकट्ठा रख दिया। तो ऐसे पूरी पिक्चर में से आपको पता चलता है कि ब्रिक्स कैसे वो लोग बनाते हैं। हैव यू सीन अ ब्रिक क्लीन, आपने क्या कहीं पे भी ऐसे ब्रिक्स बनती हुई ऐसा कोई भट्टा आपने देखा है? डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स कैप्ट देयर, अगर आप सोचो कि ऐसे देखा है तो कितनी ब्रिक्स वो लोग बनाते होंगे। देर आर मैनी मैनी ब्रिक्स क्लीन इन इंडिया, इंडिया में कितनी सारी ऐसे ब्रिक्स बनती है उसकी भट्टियाँ है, थाउजेंड ऑफ देम, यानी कि 1000 से भी ज़्यादा, थाउजेंड जितनी ज़्यादा है, मोर देन 100,000 जितनी ज़्यादा है ब्रिक्स यहाँ पर इंडिया में जो भट्टियाँ है ब्रिक्स बनती है वो। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज, दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 lakh, यानी कि 100,000 यानी कि 1 lakh जितनी वो लोग ऐसे ब्रिक्स की भट्टियाँ है बनाते होंगे। कैन यू ट्राई टू राइट इट, ask your friend where they have heard of a lack, find out, look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck, आप ये फोटोज यहाँ पर दिखाई दी है उस फोटोज को देखकर गेस करके आपको बताना है कि इसमें कितनी ब्रिक्स वो लोगों को समा सकते होगे। also find out from a truck driver how many bricks they can carry in one truck, आपको यहाँ पर एक आपको देखना है, ट्रक के ड्राइवर को भी आप पूछ सकते हो या अपने तरीके से गेस करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कैसे वन ट्रक के अंदर कितनी ब्रिक्स वो लोगों को ऐसे लेकर ऐसे ट्रांसफर करते होंगे। मेंटल मैच भजन बॉयज ब्रिक्स, यहाँ पर एक भजन नाम का बॉयज है जो ऐसे बाइस यानी कि ब्रिक्स को खरीदने जाता है। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, वो ऐसे ब्रिक्स को खरीदने जाता है। दिस प्राइस वॉज गिवन फॉर अ 1000 ब्रिक्स, उसकी जो प्राइस है ब्रिक्स की वो 1000 है। एंड दिस प्राइस वेर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स, वहाँ पर ऐसे अलग अलग टाइप्स की जो ब्रिक्स थी उसके यहाँ पर टेबल में नेम दिए है। ओल्ड ब्रिक्स यानी कि जो ओल्ड ब्रिक्स थी उसके रुपीस थे 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स, यानी कि आपको यहाँ पर दिखाए ओल्ड ब्रिक्स के रुपीस। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इटानापुर, यानी कि इंतापुर के जो न्यू ब्रिक्स है उसकी जो प्राइस है रुपीस 1800 है। और नीचे आपको दिखाया है न्यू ब्रिक्स फ्रॉम अ ब्रिक बाद, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक बाद की जो न्यू ब्रिक्स है उसकी प्राइस है रुपीज़ 2000 फॉर अ 1000 ब्रिक्स, कि 1000 ब्रिक्स है, 1000 ब्रिक्स है उसकी जो प्राइस है न्यू ब्रिक बाद की जो 2000 है। बाद में ऐसे आपको यहाँ पर दिखा है तो उसके कुछ क्वेश्चन नीचे दिए है। वजन डिसाइड टू बाय अ न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिक बाद, वजन ने है अपनी न्यू ब्रिक्स खरीदी है ब्रिक बाद से न्यू ब्रिक्स खरीदी, उसकी प्राइस क्या है 1000 ब्रिक्स की 2000 रुपीज़ है। ही बॉट अ 3000 ब्रिक्स, उसने कितनी खरीदी है 3000 ब्रिक्स खरीदी है, तो यहाँ पर हम लिख उसने 1000 खरीदी थी जो उसके पैसे थे 2000 रुपीज़, तो उसने 3000 ब्रिक्स खरीदी है तो 2000 रुपीज़ के लिए को यहाँ पर तो कितने हो गए 2000 इंटू 3 यानी कि कितने हो गए 6000 रुपीज़, तो यहाँ पर उसने कितने पे किए हो गए 6000 रुपीज़, क्योंकि क्यों 6000 रुपीज़ उसने पे किए हो गए क्योंकि यहाँ पर 3000 जितने ब्रिक्स उसने क्या किया था, उसने 3000 ब्रिक्स खरीदने थे और 2000 रुपीज़ 1000 रुपीज़ के ब्रिक्स के पैसे थे। एंड गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स, उसको ओल्ड ब्रिक्स खरीदनी थी, गेस करके आंसर बताना है 500 जितनी उसको ओल्ड ब्रिक्स खरीदनी है, तो ओल्ड ब्रिक्स 1000 ब्रिक्स कितने पैसे 1200 है, तो उसको 1000 है पूरा, तो उसका आधा करते हैं तो कितने होते हैं 500 होता है बराबर, 1000 के पूरी यहाँ पर ब्रिक्स खरीदी है उसने तो उसके 500 आधा उसको लेना है, तो अभी इसके ये जो है 1200 रुपीस उसको भी हम आधा करेंगे, तो 1200 को आधा करेंगे 2 से तो कितना होगा 2 6 12 यानी कि कितनी होगी 600 रुपीस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 600 रुपीस।
तो ये लेसन यहाँ पर ओवर होता है। थैंक यू।